Hi, hi friends. Welcome back to my channel. Say hi. Hi. Hello friends. Welcome back to my channel. And आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेबी के फर्स्ट फूड को लेके. बेबी को हम फर्स्ट फूड क्या दे सकते हैं? तो हम बेबी को फर्स्ट फूड में हम दे सकते हैं एवोकाडो. और हम बात करेंगे एवोकाडो कैसे हमें उसको खिलाना है या कैसे उसे यूज़ करते हैं. सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. उससे पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे एवोकाडोज पे. सो एवोकाडो एक ऐसा फ्रूट है जो अपने आप में एक पूरा मील है, इवन बेबीज़ के लिए भी और यंगस्टर के लिए भी. सो इसमें सारे मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन्स और फैट एंड सब कुछ जो एक प्रॉपर मील में होता है, वो सब कुछ एक एवोकाडो में पाया जाता है. सो इसे डॉक्टर जो है बेबीज़ को सबसे पहला फूड प्रेफर करते हैं. राइस या सीरियल देने की बजाय आप उसे वेजिटेबल्स या फिर एवोकाडो दे सकते हैं. तो वेजिटेबल जो है अगर आप नहीं देना चाह रहे हैं तो एवोकाडो आप ट्राई कर सकते हैं सबसे पहला फूड. मैंने भी वही सबसे पहले अपने बेबी को ट्राई किया था, एवोकाडो. सो एवोकाडो की प्यूरी हम बनाएंगे आज इस वीडियो में. देखेंगे कैसे हम एवोकाडो की प्यूरी बना सकते हैं. और एवोकाडो जो है उसमें सारे मिनरल, विटामिन, ये एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसमें कि जो बीमारियां होती हैं वो बहुत जल्दी रिकवर कर लेता है बेबी. यानी कि टमी अपसेट हो रहा हो उसका, या फिर लाइक थ्रोन अप या कुछ भी, जो भी कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती है, ये डाइजेशन में सबसे अच्छा होता है. इसको डाइजेस्ट करना इतना आसान है क्योंकि ये बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है. तो बेबीज़ को हम पहला फूड जो है वो सिर्फ एवोकाडो ही दें तो बहुत अच्छा होगा. एवोकाडोज मिलना इंडिया में थोड़ा सा टिपिकल है, बट आजकल आपको ये किसी भी सुपर मार्केट में मिल जाएगा. इवन विलेजेस वगैरह में मैं कुछ कह नहीं सकती, शायद ना मिले, थोड़ा मुश्किल हो मिलना. बट अगर आप किसी सिटी में रहते हैं तो आपको डेफिनेटली ये किसी भी स्टोर, जो सुपरमार्केट होती है, वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा. तो देखते हैं इस वीडियो में कि कैसे मैंने अपने बेबी को एवोकाडो की प्यूरी बना के खिलाई थी और उसे कितनी ये पसंद आई थी. आप प्लीज़ देखना. अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें मेरा चैनल. एवोकाडो की प्यूरी बनाई थी मेरे बेबी के लिए और उसने खाई थी, इंजॉय करी थी. आप देखना इस वीडियो में. थैंक यू. हमने लिया है एक एवोकाडो और इसको हम काटेंगे बिल्कुल बीचों बीच से, और बड़े आराम से काटना है क्योंकि इसके बीच में एक गुठली होती है, उससे कई बार हाथ कटने का डर रहता है. इस तरह से घुमा देंगे हम इसे, और ये देखिए कट गया है. ऐसे ट्विस्ट करके निकाल लेंगे. इस तरह से होता है ये पका हुआ एकदम अंदर से सॉफ्ट. पहले हम इसको निकाल लेते हैं. एकदम पका हुआ है, इस तरीके से ये पूरा बाहर आ जाएगा. मिक्सी जार में मैं पूरा एक ही बार बना लूंगी और उसको एयर टाइट कंटेनर में रख दूंगी. अगर आपके पास मिक्सी नहीं है तो आप उसको किसी स्पून से भी आराम से स्मैश कर सकते हैं या फोर्क से. कितनी अच्छे से इसकी प्यूरी बन गई है. इसको हम निकाल लेंगे अपने कंटेनर में. सो आपने देखा हमने बनाई है एवोकाडो की प्यूरी.
अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें मेरी वीडियो। एंड आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।